हाय फ्रेंड, आज वीडियो हम बात करने वाले हैं एमिरेट्स D10 का। आज का जो मैच नंबर 24 होगा वो खेले जाने वाला है, अजमान वर्सेस दुबई के बीच में शुरू होगा। मैच का टाइम रहने वाला है आज रात 11:15 में शुरू होगा। वेदर की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, सेम ग्राउंड पर मैच है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो बैलेंस सरफेस है बैट्समैन और बॉलर के लिए। एवरेज इसको 100 से 120 के बीच में रहने वाला है। वेन्यू रिकॉर्ड देख लेते तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल यहाँ पर अब तक 22 मैच कम्प्लीट हो चुके हैं। 12 मैच जीते बैटिंग, नॉर्थ टीम ने 10 मैच में चेज हुए हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो, जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी ना उसे यहाँ पर ज़्यादा हेल्प होने वाली है। बात कर लें यहाँ पर अजमान की टीम की, तो टीम की बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मेरे सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जाकर ज्वाइन कर लेना है क्योंकि वहाँ पर ही आपको आफ्टर टॉस फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल का लिंक एक तो आपको इस वीडियो के डिस्कशन में, दूसरा जहाँ आप कमेंट करते हो वहाँ पर ऊपर ही फिर आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे हमारे अकाउंट पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे, वहाँ ज्वाइन हो सब क्लिक करके आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। बात कर लें यहाँ पर अजमान की टीम की, लास्ट 6 मैच के लिए टीम 3 मैच विन किए हैं, 3 मैच ये हार के आ रही हैं। लास्ट मैच अपनी की थी उस्मान खान ने और अनशन टंडन ने। उस्मान खान की बात करें तो 0-25, 1 विकेट, 37 1 विकेट और 23 रन। पूरे मैचों में ना ये एक ही मैच में फ्लॉप रहे थे, बाकी तीनों मैचों में काफ़ी अच्छी बैटिंग बॉलिंग इन्होंने की थी। अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। जैसे अनशन टंडन की बात करें 25-17-2 और 4 रन, 4 मैचों में मौका मिला। लास्ट 2 मैचों में बिल्कुल फ्लॉप रहे थे, पर पहले 3 में दोनों मैचों में ना अच्छी बैटिंग इन्होंने की थी। यहाँ से आता है अब्दुल शकूर की बात करें, 1-22-11-4-11 और 33 नोट आउट। यहाँ पर देख सकते हो 2 मैच में थोड़े बिल्कुल खराब रहा था इनका रिकॉर्ड, पर 4 मैच में अच्छी बैटिंग की थी। डोमेस्टिक T10 के 37 मैच में 618 रन है, 18 का एवरेज है। अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। हर्षित कौशिक 91 नोट आउट, 30 रन, 1 रन, 44 0 विकेट, 1 और 6 रन। 3 मैचों में बिल्कुल फ्लॉप है, 3 मैचों में अच्छी बैटिंग बॉलिंग की है, 1 मैच में ही बॉलिंग की थी, 1 ओवर डाला था पर विकेट नहीं मिला। डोमेस्टिक T10 के यहाँ पर बात करें तो D10 की 12 मैच के लिए हैं 129 रन हैं, 6 विकेट है, 10 ओवर डाल के। महमूद अजमल की बात करें 2 विकेट 15 2 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट हैं। 4 मैचों में बैटिंग बॉलिंग की और अच्छी की, बॉलिंग में देख सकते हो हर मैच में 2-2 डाल के हर मैच में इन्होंने विकेट निकाला है, तो मैं ज़रूर अपनी टीम में इन्हें मौका देने वाला हूँ। अदनान मुल्क की बात करें 14-2-8 0 विकेट, 2-4 0 विकेट और 9 बैटिंग है। T20 के 10 मैच में 116 रन है, 11 का एवरेज है। अंकुर सागवान की बात करें 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट और 2 विकेट है। 2 मैचों में ना 2-2 ओवर डाल के विकेट निकाल पाए थे, बाकी 4 मैच में ये बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। बात कर लें यहाँ से अब्दुल मलिक की, 0 विकेट 0 विकेट, 16 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट है। लास्ट के मैच में ना 2 ओवर डाल के 2 विकेट इन्होंने निकाले हैं, उससे पहले सिर्फ एक ही मैच में विकेट निकाल पाए थे, बाकी पूरे मैचों में ये बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। बट चांसेस अच्छा है क्योंकि मौका जरूर देना है। सेरेज पिया की बात करें 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 9 बैटिंग और 0 विकेट है। फर्स्ट और सेकेंड मैच में ही विकेट निकाला था, बाकी पूरे मैचों में बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। युवराज बुआ की बात करें 9 बैटिंग 10 26 22 और 9 बैटिंग है। 2 मैचों में अच्छी बैटिंग की थी, बाकी डाउन है। यहाँ से आ जाते हैं मारूफ बावे की बात कर लें, 9 बैटिंग 0 विकेट 0 विकेट और 0 विकेट है। 3 मैचों में बॉलिंग की पर विकेट नहीं मिला, पहले मैच में 9 बैटिंग रही थी। बाकी बेंच में से जैसे यहाँ से मोहम्मद इस्माइल खेलता है ना, अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और 1 विकेट है, हर मैच में 2-2 डाल के विकेट के पॉइंट अच्छे देखे जा रहा है। तो यहाँ पर बेंच में से जो खेले उनकी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। स्टार्टिंग को डाले जाएंगे एस अहमद, ए मलिक, एम अजमल। डेथ को डाले जाएंगे एस अगुन, ए मलिक, एस अहमद। जो डेथ में बॉलिंग करेगा ना वो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि विकेट के पॉइंट अच्छे देखे जाएगा। तो यहाँ पर वीडियो का एनालिसिस वाला पार्ट चुका है कंप्लीट। चलते हैं अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम से ज्वाइन होना आपके लिए काफ़ी जरूरी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ही आपको आफ्टर टॉस फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल का लिंक एक तो आपको इस वीडियो के डिस्कशन में, दूसरा जहाँ आप कमेंट करते हो वहाँ पर ऊपर ही ऊपर आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे हमारे अकाउंट पर क्लिक करोगे आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे, वहाँ ज्वाइन हो सब क्लिक करके आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। बात कर लें यहाँ पर दुबई की टीम की, लास्ट 5 मैच खेली टीम और यहाँ पर ना 3 मैच 4 मैच हारी थी, 1 ही मैच इन्होंने विन किया है। लास्ट मैच अपनी की थी रौनक पनौली ने और यहाँ से अहान फर्नांडिस ने। रौनक पनौली की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 18-10 1 विकेट 12 0 विकेट 0 विकेट और 13 0 विकेट है।
यहाँ से देख सकते हो इनका रिकॉर्ड ना, एक ही मैच में इन्होंने विकेट निकाले थे, बाकी टोटल मैचों में ये विकेटलेस गए हैं। आहान फर्नांडिस की बात करें, 38-16 एक रन, 3 मैचों में बैटिंग की, 2 मैचों में अच्छी बैटिंग की थी, 1 मैच में बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। यहाँ से आ जाता है अहमद तारिक की बात करें, 3 ओवर 34 नॉट आउट, लास्ट के मैच में कमाल कर दिया, 34 नॉट आउट की अच्छी पारी उन्होंने खेल ली थी। यहाँ से आ जाता है मार बदामी की बात करें, 0 नो बैटिंग 34 3 1 विकेट है। लास्ट दो ही मैच में ना बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से अच्छे पॉइंट देके गया है। D10 के 17 मैच में 19 रन है, 11 विकेट, 18 ओवर डाल के। तैमूर अली 15 9 और 40 नॉट आउट, लास्ट के मैच में इन्होंने भी अच्छी पारी खेली थी 40 नॉट आउट की। D10 के 16 मैच खेले थे, 185 रन है, 30 का एवरेज है। सफीर तारिक की बात करें, 17 9 7 0 और 9 बैटिंग है, D10 के 24 मैच खेला है, 228 रन है, 17 का एवरेज रहा है। आदित्य सेट्टी की बात कर लेते हैं, 0 किट 0 किट 1 विकेट, 4 विकेट और 0 विकेट है। दो ही मैच में ये विकेट निकाल पाए थे, बाकी पूरे मैचों में ना बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। D10 के 18 मैच खेले हैं, 22 विकेट इनके नाम है। युग शर्मा की बात कर लें, 0 किट 0 किट 1 विकेट और 2 विकेट है। पहले दो मैचों में बिल्कुल फ्लॉप रहे थे, बट लास्ट के दोनों मैचों में ना इन्होंने कन्फर्म विकेट निकाले हैं। यहाँ से T20 के 31 मैच खेला है, 143 रन है, 28 विकेट है, 119 ओवर डाल के। वसीम अकरम की बात करें, 0 किट 1 विकेट और 1 विकेट है। 3 मैचों में मौका मिला, पर पहले मैच में ही विकेट यहाँ पर लेस रहे थे, बाकी लास्ट दोनों मैचों में विकेट इन्होंने कन्फर्म निकाले हैं। महमूद अनिक की बात करें, 0 12 और 9 बैटिंग है, ODD के 13 मैच खेले हैं, 208 रन है, 13 विकेट इनके नाम है। आईमान महमूद की बात करें, अहमद की बात करें, 15 1 विकेट 0 किट 3 विकेट 0 किट और 0 विकेट है। फर्स्ट और थर्ड मैच में ही इन्होंने विकेट निकाले हैं, बाकी बिल्कुल फ्लॉप हैं। बाकी बेंच में से जैसे कोई भी खेलता है ना, उनकी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगी, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, तभी आप अपनी बेहतर टीम बना पाओगे। यहाँ से स्टार्टिंग को डाले जाएंगे W अकरम, Y शर्मा, डेथ को डाले जाएंगे अहमद, Y शर्मा। जो डेथ में बॉलिंग करेगा ना, वो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट देने वाला है, क्योंकि विकेट के पॉइंट अच्छे दे के जाएगा। तो यहाँ पर वीडियो का एनालिसिस वाला पार्ट चुका है कंप्लीट, चलते हैं अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम से ज्वाइन आपके लिए काफ़ी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ही आपको अपडेट और फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाले हैं। टेलीग्राम से ज्वाइन आपके लिए काफ़ी जरूरी है, क्योंकि पिछले मैचों में ना हमने अल्ट्रा क्लीनशिप की थी। अगर आपके इस मैच में भी अच्छी विनिंग करनी तो जरूर से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक एक तो आपको इस वीडियो के डिस्कशन में, दूसरा जब आप कमेंट करते हो वहाँ पर ऊपर ही आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे हमारे अकाउंट पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे, वहाँ ज्वाइन हो सब क्लिक करके आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते, चलते अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम में आप लोगों ने विकेट सेक्शन से करने वाला हूँ एस अकूर को, बैटिंग सेक्शन से आर पनोली को, एच कौशिक को, टी अली को, यू खान को, ऑलराउंडर सेक्शन से एम अजमल को, ए मलिक को, बॉलिंग सेक्शन से W अकरम को, एस अगवान को, एस सेट्टी को, वाइस शर्मा को, कैप्टन करने वाला हूँ एम अजमल को, वाइस कैप्टन करने वाला हूँ एच कौशिक को। बट ये मेरी फाइनल टीम बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ मेरी डेमो टीम है, फाइनल टीम में बैटिंग ऑर्डर आने के बाद में ही दे पाऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट और ऐसे सपोर्ट आप हमारे चैनल पर बनाए रखिएगा फ्रेंड। धन्यवाद आपको हमारी वीडियो देखने के लिए।